हेलो जी नमस्कार सलाम सताल विश यू ऑल अ वेरी वॉम वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ आकाश बायजूज नीट यूट्यूब चैनल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बेहतरीन सेशन लेकर के बूस्ट योर बायोलॉजी जिसके जरिए हमारा मकसद ये है कि आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर दिया जाए कि जब नीट का प्रश्न पत्र नीट का क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो तो आपके हौसले इतने बुलंद हों कि बस कोई भी आपको पछाड़ ना सके उस समय दैट इज वट वी वॉन्ट कि इस सीरीज के जरिए आपकी बायोलॉजी इतनी मजबूत हो जाए कि बायो में पूरे में से पूरे नंबर आज ही हम Ensure कर लें। बस एक वादा जरूर कीजिए आप हमसे कि आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे इन, में। इन के आप से अटेंड करेंगे। से सफलता हम आपको दिला के ही रहेंगे ये वादा है हमारा आपसे बस आप अपना डेडिकेशन अपनी रेगुलरिटी जरूर बनाए रखिए जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है जिसमें से सबसे पहली बात है आपका

कामयाब हो। आई कैन अंडरस्टैंड कि पढ़ाई मुश्किल तो है नीट का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल तो है लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई कर लेता ना उस प्रकृति ने आपको चुना है इसके लिए दैट मीन्स आप में कोई ना कोई विशेषता है आप में कोई ना कोई, कोई खासियत है बस अपनी उस खासियत को पहचान लीजिए आपको सही मार्गदर्शन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है रेगुलरली मिल रहा है हमारा ये वादा है आपसे कि बूस्ट योर बायोलॉजी सीरीज के जरिए आपको बायोलॉजी में हंड्रेड परसेंट मार्क्स दिलवा करके ही रहेंगे टॉप ट्वेंटी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आते हैं सोमवार से शुक्रवार शाम को पांच बजे बीना मैम बॉटनी करा रही हैं आपके साथ जोआलॉजी में मैं हूं जी आपकी सेवा में तो बस फिर देरी किस बात की वो कहते हैं ना डर मुझे भी लगा था डर मुझे भी लगा था फासला देखकर लेकिन मैं बढ़ता रहा आगे रास्ता देखकर मंजिल खुद बखुद मेरे करीब आती गई मेरा बुलंद हौसला देखकर तो हौसले आप अपने बुलंद रखिए मार्गदर्शन हमारा रहेगा आपके चाहने वालों की आपके साथ दुआएं हैं आपके माता पिता का आशीर्वाद है तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी बिल्कुल मिलेगी चलिए जी शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का एक पॉजिटिव एनर्जी एक पॉजिटिव ज़ील के साथ और ये उम्मीद करते हैं कि हम सारे के सारे प्रश्नों के सही उत्तर देंगे एकदम कंसंट्रेशन के साथ आपको मेरी आवाज पे फोकस करना है और स्क्रीन पे अपनी नजर गड़ा करके रखनी है कहीं भी इधर उधर नहीं भागना है लाइव सेशन अटेंड करने का मजा ही कुछ और है जो सबसे पहले सही जवाब देगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस शख्स का नाम जरूर पुकारा जाए सो कैन वी स्टार्ट द सेशन आपके प्यारे प्यारे लाइक्स के साथ जिन्होंने अभी तक लाइक like का बटन नहीं दबाया है जल्दी से लाइक like का बटन दबा दीजिए हमारा मकसद है इस प्लेटफॉर्म पर न केवल आपको बॉटनी जोअलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना बल्कि आपको आपकी काबिलियत का एहसास दिलवाना राइट right, जी खुशी कैन वी स्टार्ट विद द सेशन चलो जी आपके सामने किन -किन में से किन किन टॉपिक्स के आएंगे एनिमल टिश्यूज में सेल कनेक्टिव न्यूरल एंड मस्कुलर टिश्यू के क्वेश्चन होंगे और एनिमल मॉर्फोलोजी में से कॉक्रोच फ्रॉक के क्वेश्चन होंगे बेहतरीन क्वेश्चन विध ब्यूटिफुल डायग्राम ब्यूटीफुल एनिमेशन सो लेट स्टार्ट द सेशन विदिटिव नोट पहला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट सिलियेटेड एग्जामिनर ने पूछा है इनमें से कौन से सेल्स में सीलिया नहीं पाए जाते नॉट सिलियेटेड प्रश्न को बड़े ही ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है एक हल्की सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है ऑप्शन है जी कॉलिमिनर एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम क्यूबॉइड एपिथीलियम या फिर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम राइट जी रजनी चलिए बताइए जी वैशाली ने कहा बी आयुष ने कहा बी श्रेया भट्टाचार्य से बी सागर से मेजोरिटी स्टूडेंट्स का जवाब बी है तो मैं आपको बता दूं जी कि आपका जवाब बिल्कुल सही है ट्रांजिशनल एपिथीलियम में सीलिया नहीं पाए जाते

राइट right जी और फिर ये जो इनके सिंपल के टाइप्स हैं ये किस आधार पे हैं स्क्वामस क्यूबाइडल कॉलिमिनर ये नहीं इसके शेप के आधार पे हैं स्क्वामस एपिथिलियम में फ्लैट सेल्स होते हैं जैसे स कैप्सूल में एल्वियलाम में सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम में, ब्लड वेसल में सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम में, क्यूब वाले में सेल्स, सेल्स पाए जाते हैं प्रोक्सिमल में। कॉलिमिनर एपिथीलियम आपकी में, एपिथीलियम आपके ट्रेकिया में भी प्रेजेंट है तो इस शेप के आधार पर आप देख पा रहे हैं एपिथिलियम को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है में भी प्रेजेंट है

एक एम्ब्रियो एक भ्रूण जब मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है तो सबसे पहले कौन सा टिश्यू बनता है? इज इट इन टिश्यू इज इट कनेक्टिव टिश्यू इज इट न्यूरल टिश्यू इज इट मस्कुलर टिश्यू इन चारों में से सबसे पहले बनने वाला कौन सा है सृष्टि अर्चना जया अमाला पीटर स्माइली वैशाली बताइए जी बहुत से बच्चे बी कह रहे हैं अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं जब भी आप कोई क्वेश्चन का जवाब देना तो प्रश्न संख्या जरूर लिखिए जैसे आप क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दे रहे हैं तो टू जरूर लिखो आगे है ना कि टू का आंसर ए है या बी है या सी है चलिए मैं आपको बता दूं जब एक एम्ब्रियो मदर के यूटस में बन रहा है तो सबसे पहला टिश्यू जो बनता है दैट इज एपिथीलियल टिश्यू रुद्र पटेल क्लियर है जी एपिथिलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टू बी फॉर्म इन एन एम्ब्रियो ियल टिश्यू इज द फर्स्ट टू बी फॉर्म इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन चार तरह के आपके सामने टिश्यूज है अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं इन चारों में से एक्साइटेबल टिश्यूज कौन कौन से है एपिथिलियल न्यूरल मस्कुलर कनेक्टिव में से एक्साइटेबल टिश्यूज बता सकते मुझे हर ऑप्शन के साथ कोई ना कोई विशेष बात तो हमें आपको बतानी चाहिए ना सो प्लीज टेलमी एक्साइटेबल टिश्यूज कौन कौन से है जल्दी से नेहा वर्मा और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं कराना जल्दी से लाइक का बटन दबाइए कब ऑन क्विकली इरफात, मैंने आपसे ये पूछा एक्साइटेबल टिश्यूज बताओ प्रशांत शिवम कह रहे हैं गलत हो गया कोई बात नहीं बेटा इंसान अपनी गलतियों से सीखता है यही मकसद है हमारा इस सेशन का श्रेया ने सही कहा न्यूरल एंड मस्कुलर नेहिल चौधरी ने भी सही बोला है न्यूरल टिश्यू एक्साइटेबल होता है बेटा और मस्कुलर टिश्यू भी एक्साइटेबल होता है क्लियर है जी सो ियल टिश्यू इज द फर्स्ट टू बी फॉर्मड इन एन एम्ब्रियो एपिथीलियल सेल्स में ब्लड सप्लाई नहीं होती एपिथीलियल टिश्यू इज एवेस्कुलर ब्लड वेस्ल जो है ना वो नीचे नीचे रहती हैं कनेक्टिव टिश्यू तक यही कारण है जब एपिथिलियल सेल्स मल्टीलेयर्ड हो जाते हैं तो टॉप लेयर्स जो है सेल्स की वो टूटने लगती हैं बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द न्यूट्रिय सोर्स राइट जी सो द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्मड इन एन एम्ब्रियो इज

ड्यूलर एपिथिलियम और इज इट स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस प्रश्न संख्या जरूर लिखिए बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दिव्यानि ने कहा डी राइट डी इज द करेक्ट आंसर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथिलियम दो तरह का होता है कैरेटिनाइज

इज एपिथिलियम इट इज सीन इन दर्मल स्किन क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर डी है प्रियांशु ऋतुप्रणा खुशी हंसिका कृष्णेंदु सृष्टि सबका सवाल सही गया वोर टाइम भी मैनेज करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही भी करने हैं और नई बातें भी सीखनी है Which of the following junctions allow the transfer of cardiac impulses from one fiber to another fiber? Sharir, muscles. Hain. कार्डियक मसल्स हैं स्केलेटल मसल्स हैं एंड स्मूथ मसल्स हैं तो कार्डियक मसल की एक विशेषता होती है कार्डियक मसल फाइबर्स में जो एडजस्टेंट कार्डियक मसल फाइबर्स है ना उनमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर फोर जरूर लिखिएगा आंसर बताते समय जया ने कहा बी इंटरकलेटेड डिस्क विशाली बी अमाला सेज डी शिवम सेज बीफात मोहम्मद फरहान अजय ग्रेट मेजोरिटी स्टूडेंट्स का कहना है बी तो बी बिल्कुल सही जवाब है इट इज इंटरकैलेटेड डिस्क जैसे ये एक कार्डियक मसल फाइबर है ये दूसरा कार्डियक मसल फाइबर है इनके बीच में पाई जाता है बेटा ये स्ट्रक्चर डिस्क इट अलाउज क्विक स्प्रेडिंग ऑफ कार्डियक कार्डियक फाइबर्स के ना फीचर्स आप याद रखिएगा हार्ट में पाए जाते हैं हार्ट की मिडल लेयर में मायोकार्डियम में कार्डियक मसल फाइबर्स दे यूज फैटी एसिड्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर लिपिड कॉन्टेंट इज वेरी हाई कार्डियक मसल फाइबर्स में ब्रांचिंग होती है दे आर ब्रांचड ये भी आपको ध्यान रखना है यूनि होते हैं कभी नहीं थकते हैं राइट सो करेक्ट आंसर क्या था बेटा इंटरकेलेटेड डिस्क बाकी ऑप्शंस देखते हैं टाइट जंक्शंस कहां हैं टाइट जंक्शंस एपिथेलियल सेल्स में है दे स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द सेल्स ये एक एपिथेलियल सेल ये दूसरा एपिथेलियल सेल इनके बीच में टाइट जंक्शंस हैं ताकि चीजें लीक ना कर जाएं एडेरेंस जंक्शन करते हैं जोड़ते हैं cells को. Gap, uh, junctions, जो है सेल कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं कार्डियक मसल फाइबर की जो विशेषता थी बेटा वह मैंने आपको बता दी दैट इज इंटरकैलेटेड डिस्क इससे मिलता जुलता एक वर्ड है इंटरवर्टिब्रल डिस्क्यूज मत होना इंटरवर्टीब्रल डिस्क हमारी रीढ़ की हड्डी के जो वर्टीब्रास है ना दो एडजसेंट वर्टीब्रा के बीच में होते हैं इंटरवर्टीब्रल डिस्क सो प्लीज रिमेंबर दैट राइट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द स्ट्रक्चरल टिश्यू ऑफ द पिन्ना ऑफ द ईयर ये ईयर पिन्ना है पिन्ना इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स पिन्ना को और क्या बोलते हैं बेटा पिन्ना को ओरिकल भी बोलते हैं पिन्ना केवल मैमल्स में पाया जाता है सम मैमल्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग देयर ईयर पिन्ना इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड

टिलेज सेमी रिजिड फ्लेक्सीबल कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो कार्टिलेज के सेल्स कौन से बी रजनी ने सही कहा उत्तम कुमार हेलो जी अर्चना कृष्णेंदु एकदम सही जवाब वंडरफुल वे एक काम हो जाए भाई जल्दी से एक लाइक्स का राउंड हो जाए जिन्होंने अभी तक लाइक like का बटन नहीं दबाया आपके लाइक्स तो मेरे लिए एनर्जी का, का काम करते हैं और मेरी आवाज वैसे ही दुगनी हो जाती है और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप तक पहुंचती है कॉन्ड्रोसाइट एकदम सही जवाब है जिन भी बच्चों ने जवाब दिया है कॉन्ड्रोसाइट एकदम सही ग्रेट चलो जी मेडिकल में सीट पक्की करते हैं हम अपनी द पिन्ना स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड कार्टिलेज याद रखिएगा कार्टिलेज इज सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वेसल्स डू नॉट पेनिट्रेट डीप इनटू द कार्टिलेज इसलिए कार्टिलेज को हम कहते हैं इट इज रिलेटिवली ए

आर आर बोन बोन फॉर्मिंग सेल्स सेल्स मेंटेनिंग एक और सेल्स होते हैं जिन्हें बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स कहा जाता है बोन रीमॉडलिंग सेल्स कहा जाता है विच प्ले रोल इन द रिपेयर ऑफ द बोन फ्रैक्चर कैन यू टेल मी वॉट आर दे कॉल्ड श्रेया भट्टाचार्य जी बताइए उन सेल्स को क्या कहते हैं जो बोन को रीमॉडल करते हैं बोन के फ्रैक्चर को रिपेयर करने में मदद करते हैं हेलो सैम हवाई यू जल्दी ऑस्टियोक्लास्ट फरहान ने सही कहा श्रेया ने सही कहा नेहिल वंडरफुल जी क्या बात है ऑस्टियोक्लास्ट एकदम सही कहा आपने ऑस्टियोक्लास्ट्स जो होते हैं दे आर बोन रिमॉडलिंग सेल्स बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स दे प्ले रोल इन द रिपेयर ऑफ द बोन गोविंद आपने भी सही बोला पोलनी वंडरफुल ग्रेट चलो न्यूरॉन्स तो आपको बताइए जी न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी आर न्यूरॉन्स। पैर के अंगूठे से लेके आपकी स्पाइनल तक लंबे एक एक मीटर लंबे तक न्यूरॉन्स हो सकते हैं। मायोफाइब्रिल्स कहां पाए जाते हैं मायोफाइब्रिल्स तो भाई मसल फाइबर के अंदर एक मसल के अंदर मसल फेसिक्यूल है मसल फेसिक्यूल के अंदर मसल फाइबर है मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट से बने हैं मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट सो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब कार्डियक मसल आपके दिल में पाए जाने वाले कार्डियक मसल्स की विशेषता बताइए क्या ये स्ट्राइटेड है और ये इन है क्या ये नॉन स्ट्राइटेड है और इन है बी ऑप्शन ये था क्या ये नॉन स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री है क्या ये स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री है सुमित ध्यान दो जरा

राइट अपर स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यूरिथ्रा से जो यूरिन के फ्लो को रेगुलेट करेगा वो स्फिंक्टर जो है वो भी तो स्केलेटल मसल है। एनस के थ्रू जब फीसेस पास आउट होती है वो भी तो वॉलंट्री एक्शन है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर इज ऑल्सो वॉलंट्री ध्यान रखना है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि स्केलेटल मसल हड्डियों के साथ ही जुड़े होंगे बिना हड्डियों के भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्मूथ मसल्स क्या होते हैं बेटा स्मूथ शेप्ड होते हैं स्पिडल एक ऐसी चीज है जो किनारों से पतली और सेंटर में मोटी होती है स्मूथ मसल्स जो है शेप्ड हैं स्मूथ मसल्स यूनि स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइप्ड है अनब्रांच है इनमें मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स मिलकर के लाइट एंड डार्क बैंड नहीं बनाते हैं देखो कितनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है साथ साथ शांतनु जी मजा आ रहा है ना ग्रेट वंडरफुल चलो सो कार्डियक मसल फाइबर्स जो आपके दिल में पाए जाते हैं हार्ट की वॉल में पाए जाते हैं हार्ट की वॉल की तीन लेयर्स होती हैं इनर मोस्ट एंडोकार्डियम मिडल मायोकार्डियम बाहर वाली पेरिकार्डियम तो जो मायोकार्डियम लेयर है जो मस्कुलर लेयर है जो थिकेस्ट लेयर है हार्ट वॉल की वहां पर कार्डियक मसल फाइबर्स पाए जाते हैं यह आपके कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है कुछ कार्डियक मसल फाइबर्स मॉडिफाई हो जाते हैं और एक खास तरह का नोडल टिश्यू बना देते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट करता है हार्ट का नोडल टिश्यू होता है ना ऐसे नोडल

फॉलोइ स्ट्रक्चर इन द न्यूर टिश्यू सिंथेसाइजेज प्रोटीन न्यूरोन का स्ट्रक्चर याद कीजिए सेल बॉडी एक्जोन सेल बॉडी के साथ डेंड्राइट एक्सॉन जाके एंड करता है ब्रांचेस टीलोडेंड्रिया टर्मिनल एक्सॉन एंडिंग सैनेप्टिक एंड बल्ब न्यूरोन की सेल बॉडी में न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अलावा और ढेर सारी चीजें हैं माओफिलामेंट्स हैं राइट हैं न्यूरोप्लाज्म है एंड निसल्स एंडल्स हैं शांतनु दीप्ति आकाश क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन जरूर लिख के भेजिए आंसर बताइए इज इट माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ नहीं माइलिन शीथ तो इंसुलेशन का काम करती है इज इट न्यूरो नो इज इट साइन नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर डी ये हुई ना बात द करेक्ट आंसर इज डी डी फॉर डेली वंडरफुल जी मजा आ रहा है ना एक्साइटमेंट फील हो रही है कि नहीं हो रही क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपको एक बड़ी खूबसूरत सी बात बताई थी डर मुझे भी लगा था फासला देखकर डर मुझे भी लगा था फासला देखकर लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर मंजिल खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरा बुलंद हौसला देखकर हौसले बुलंद रखिए गाइडेंस हमारी रहेगी मेहनत आपकी डेफिनेटली यू विल सक्सीड द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेवन इज डी ग्रेन्यूल जिन्हें टाइग्रॉइड बॉडीज भी कहते हैं ग्रेन्यूल न्यूरोन की सेल बॉडी में पाए जाते हैं दे आर राइबो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन आर एन ए पार्टिकल विच आर कंसर्न विद एनजर आर एन ए पार्टिकल्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन एनजाइम्स हैं और वो क्या काम करते हैं वो ये काम करते हैं वो एनजाइम्स न्यूरो ट्रांसमिटर्स बनाते हैं राइट मेरे राजा बेटा मधुमिता थैंक यू सो मच जी थैंक यू प्रियांशु जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा ना जल्दी से लाइक का बटन दबाइए पहले आपके लाइक्स मेरे लिए एटीपी का, का काम करते हैं तो आप एटीपीज भेजिए और हमारी एनर्जी और दुगनी हो जाएगी फिर और ढेर सारी मोटिवेशन वाली बातें बताऊंगा गौरव चलिए जी आगे बढ़े

भूपेंद्र भूपेंद्र प्रताप कह रहे हैं सर मेरा नाम लीजिए तुम्हारा तो नाम इतना जबरदस्त है भूपेंद्र प्रताप सिंह बस उसके आगे डॉक्टर लग जाए एक तो मजा आ जाए द द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज टर्म न्यूरोप्स वाज गिवन बाय सर चार्ल्स शरिंगटन साइनेप्स केमिकल भी होते हैं साइनेप्सिस इलेक्ट्रिकल भी होते हैं केमिकल साइनेपिस में क्या होता है प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरोन के बीच में एक केमिकल के जरिए

न्यूरोलेमोसाइट शॉन सेल्स को कहा जाता है आप जानते हैं सपोज ये रहा न्यूरॉन की सेल बॉडी और ये जी डेंड्राइट एंड यू कैन सी दिस लॉन्ग एक्सटेंशन कॉल्ड एक्सॉन और फिर ये एक्सॉन के आगे जाकर के ब्रांचेस हैं टीलोडेंड्री एक्सॉन को कवर करते हुए यहाँ पे सेल्स हैं विच आर कॉल्ड शॉन सेल्स शॉन सेल का दूसरा नाम न्यूरोलेमोसाइट शॉन सेल्स का काम शॉन सेल्स कॉन्टिन्यूसली रैप करते जाते हैं एक के चारों तरफ और माइलिन बनाते हैं जो इंसुलेशन का काम करती है सो शॉन सेल्स दे फॉर्म माइलिन अराउंड ऑफ सेल्सिन नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरोन्स हैं उनकी माइलिन शीत ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं याद रखना माइलिन शीत को मेडुलरी शीत भी कहते हैं इंसुलेशन का काम करती है न्यूरीलेमा क्या है जी प्लाज्मा पार्ट ऑफ द इट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक और ट्रिगर जोन सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है ये ओके सिनेप्स का क्वेश्चन नंबर एट का आंसर चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेंडन टेंडन क्या है कहां पड़ा था कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन पड़ा था टेंडन मसल और बोन को जोड़ता है सिंपल टेंडन मसल और बोन को जोड़ता है ये बना रहा हूं मैं एक हड्डी ये रही जी आपकी एक लॉन्ग बोन राइट बोन के साथ यहां पे दिखा देता हूं एक मसल ये मसल जुड़ा हुआ है आपकी हड्डी के साथ और उसी टिश्यू को क्या कहते हैं टेंडन कहते हैं राइट right? टी ई -E एन शॉर्ट में लिख दिया मैंने टेंडन याद रहेगा बेटा राइट right जी क्लियर है वंडरफुल ऑप्शन देखें नाइन्थ में पहला था इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम बिल्कुल भाई वो तो गलत बात है ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिय एंड गैश सब्सटेंस इेलिवेंट है कनेक्ट द बोन क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर सी सृष्टि कनिष्का शिवम ग्रेट ग्रेट दत्तात्री सबका सही जवाब है जी नाइन का सी सो टेंडन इट इज कनेक्टिंग योर मसल बोन देखो ब्यूटीफुल सा डायग्राम आपको पीछे दिख रहा है जी स्केलेटल मसल रेड कलर से दिखाया है स्केलेटल मसल का रंग लाल क्यों दिखा देते हैं क्योंकि इनमें एक रेड कलर्ड प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है राजा बेटा ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटी ध्यान रखिएगा टेंसन टेंडन इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट्स क्या करती हैं? दो हड्डियों को आपस में लिगामेंट्स जोड़ती हैं।

areolar connective tissue is loose connective tissue that is serving as a support framework for the other tissues. Clear G, right? Shreyansh, great. Chalo, agla savaal. Question number ten. Dash are at the spaces. Dash are the spaces in which the bone cells are present. Bone ke cell osteocyte. An osteocyte is surrounded by a fluid-filled space. चलो मैं तो एक सुंदर सा ऑस्टियोसाइट बनाने लगाऊं तब तक आप मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे ये रहा जी एक ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट्स आर सेल्स ऑफ द बोन ऑस्टियोसाइट सुंदर है जी मेरा राइट right? एन ऑस्टियोसाइट इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड वॉट फ्लूड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड लैक्यूना फ्लूड फिल्ड स्पेस इज कॉल्ड लेक्यूना आसान है ना सवाल राइट अच्छा मैं डायग्राम लेबल कर दू मुझे डायग्राम बनाने में बड़ा मजा आता है भाई ये तो है हमारा प्यारा सा सेल दैट इज ऑस्टियोसाइट एन ऑस्टिओसाइट हैज प्रोटोप्लाजमिक प्रोसेस विच आर कॉल्ड फाइलोपोडिया ऑस्टियोसाइट की प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं फाइलोपोडिया और ये जो सराउंडिंग स्पेस है जो लाल रंग से दिखाई है ये है लेक्यूना लेक्यूना की जो चैनल्स हैं दे आर कॉल्ड कैनाली क्यूली द चैनल ऑफ लेक्यूना आर कैनाली क्यूली कैनाली क्यूली के अंदर फाइलोपोडिया प्रेजेंट है वेरी इजी क्वेश्चन गुड क्वेश्चन डायग्राम भी बना दिया मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर है ए राइट right? ठीक है जी? So, क्या है एनसीआरटी का कहना है बोन सेल्स आर फाउंड अच्छा ये जो ऑस्ट्रियोसाइट होते हैं ना बोन के ऑस्ट्रोसाइट ऐसे लेयर बना देते हैं कंसेंट्रिक लेस्टियोसाइट दूसरा ऑस्ट्रोसाइड पूरी जो ऑस्ट्रोसाइट की लेयर बन जाती है ना दैट इज वट इज कॉल्ड लैमिला

एडजस्टेंटर्शियन केवर्शियन canals. Canals के अंदर ब्लड है वरुण विश्व जी ध्यान रखना ये राइट चलो अगला सवाल कैनाली क्यूली भी मैंने बता दिया डिस्कशन में देख लेते हैं द फाइन नेटवर्क ऑफ द केनाल कॉल्ड कैनाली क्यूली फॉर्म द कंसेंट्रिक लेवर्शियन केनाल ओके सो थ का आंसर था ए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे थोड़ी देर पहले मैंने जब इंटरकलेटेड डिस्क डिस्क बताया था था वहां इसका जिक्र करा था ना disc, अंदाजा लग जाएगा रीढ़ की हड्डी के मणके जो हैं दे आर है एक वर्टिब्रा और दूसरे वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल प्रेजेंट है ये आपको पता है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है ये डिस्क किस चीज से बनी है इज इट कैल्सिफाइड कार्टिलेज इज इट इलास्टिक कार्टिलेज इज इट हेलाइन कार्टिलेज इज इट फाइब्रस कार्टिलेज क्वेश्चन नंबर जरूर डालना बेटा सोनाली वर्मा रंजीत आशुतोष रमेश आस्था मधुमिता सिलिका सिलिका गोयल ब्यूटीफुल नेम रोहित रंजीत डॉक्टर ब्रजेश चौधरी सरला शुक्ला बताओ जल्दी से कम ऑन इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इज डी 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 इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज तीन तरह का कार्टिलेज होता है हेलाइन कार्टिलेज ग्रिसल कहते हैं जिसे हेलाइन कार्टिलेज मोस्ट अबंडेंट है सी शेप्ड रिंग्स ऑफ ट्रेकिया में हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है रिब्स जहां पे आके स्टर्नम में जुड़ रही हैं कार्टिलेज कार्टिलेज वो हेलाइन है लंबी हड्डियों के एंड में हेलाइन कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज इलास्टिक कार्टिलेज ई से ईयर पिन्ना ई से यूस्टेचियन ट्यूब राइट यहां पे प्रेजेंट है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एपिग्लॉटिस ये सब इलास्टिक कार्टिलेज है फाइब्रस कार्टिलेज ये बड़ा स्ट्रॉग होता है इन तीनों में से सबसे मजबूत है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है ट्विंकल याद रहेगा बेटा ठीक है जी आपने सुना ना कई बार स्लिप डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में स्लिप डिस्क में यही होता है कि ये जो फाइब्रो हम जिक्र कर रहे हैं ना इंटरवर्टिब्रल डिस्क का इसके अंदर एक सेंट्रल सॉफ्ट पल्पी एरिया होता है दैट सेंट्रल सॉफ्ट पल्पी एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियस पल्पॉसिस न्यूक्लियस पल्पोसिस कई बार ये न्यूक्लियस पल्पोसस स्लिप आउट कर जाता है ऐसे फाइब्रोकार्टिलेज में से दैट इज कॉल्ड स्लिप्ड डिस्क एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द नियर बाय स्पाइनल नर्व्स तो लेग में पेन पीठ में दर्द ये समस्या हो सकती है क्लियर है जी फाइब्रस कार्टिलेज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क हेलाइन कार्टिलेज सबसे ज्यादा है मोस्ट वाइड स्प्रेड है कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी इट इज हेलाइन कार्टिलेज अलग अलग लोकेशन मैंने बता दी रिब्स में नोज में लैरिंग्स में ट्रैकिया में इलास्टिक कार्टिलेज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल ईयर पिन्ना यूस्ट्रेचियन ट्यूब इन सब जगहों पर प्रेजेंट है सो हमारे क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर डी ऑप्शन अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ॉजी ऑफ एनिमल्स में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कॉक्रोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में से कॉकरोच लिविंग फॉसिल फाइलम अर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा कॉकरोच का जोलॉजिकल ने और भी कॉकरोचेस हैं ब्लाटा ओरियंटालिस भी एक कॉकरोच है कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम याद कीजिए माउथ है फैरिंग्स है उसके बाद आपने पढ़ा है भाई क्रॉप गिजर्ड मिड गट हाइंड ग तो पूरा सीक्वेंस बताना है भाई। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द in ऑफ द it कैनाल इन crop इज इट माउथ याद है डायलेटेड ग्राइंडिंग का काम करता है काइटनस टीथ भी होते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर twelve. शिवेश मुखर्जी ने कहा ए श्रेयांश ने भी कहा है ए कृष्णेंदु ने कहा है डी है ग्रेड जी श्रेया का कहना है ए है वेल याद रखना है भूलना नहीं है द करेक्ट आंसर इज ए ठीक है जी कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल को तीन हिस्सों में बांट लो फोरगट मिड गट हाइंड फेरिंग्स एंड क्रॉप एंड गिजर ये रहा जी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना सलाइवरी ग्लैंड नजर आ रही है कॉकरोच की आपको पता है कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा सकता है कॉकरोच का सिर काट दो तो तब भी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है वो कॉकरोच और कहते हैं कि कॉकरोच

हो गया जी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं ध्यान से पढ़ते हैं देन हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू हमें यह बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स सही हैं सच्चे हैं पहला इन अ कॉकरोच द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा बाई सुप्राइसोजियल गेंग्लियॉन सुप्रा सुप्राइसोजियल गेंग्लियन एंड इट सप्लाइज नर्व्स टू द मैग्लरी एंड द लेबियल पल्प्स एनसीआर का स्टेटमेंट है ध्यान रखिए सेकंड

सो so, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच इट इज एसोफेजियल इज प्रेजेंट इन द हेड एंड इट सप्लाइज टू एंड द कंपाउंड आईज सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है बिकॉज 200 हंड्रेड नहीं टू हेक्सागोनल यूनिट होते हैं और जो आईज हैं वो डॉर्सल सर्फेस ऑफ द हेड पर प्रेजेंट है सो दैट आर टू स्टेटमेंट विच आर करेक्ट दिख रही है ये कॉकरोच की आंखें राइट right? कॉकरोच की लेग्स के बारे में भी याद रखना कॉकरोच के बॉडी डिवीजन हेड थॉरक्स एपडोम फीमर टिबिया टार्स ये भी याद रखना है ओके सो देर इज वन स्टेटमेंट ओनली विच इज करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला आंसर था राइट जी मोहित मजा आ रहा है चलो एक बार बताओ आर यू पीपल इंजॉइंग द सेशन बूस्ट योर बायोलॉजी सेशन मंडे टू फ्राइडे डेली हो रहे हैं हमारे चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए कम्युनिटी पोस्ट भी रेगुलरली देखा करो हर सेशन के बारे में डिटेल्स डाली जाती हैं सेशन का का वीडियो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पर हर सेशन का पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाता है रेगुलर क्वेश्चन भी डाले जाते हैं रेगुलर पोस्ट डाले जाते हैं सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया राइट अंशिता चलो अगले सवाल में चलो देखो एज अशन रीजन इन कॉकरोच रेस्पिरेटरी गैसेस डायरेक्टली कम इन कॉन्टेक्ट विद वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिल्कुल सही बात है शरीर में ट्रेकियल ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना होता है और स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है हवा एंटर करती है शरीर के एक एक सेल तक पहुंचती है कॉकरोच के केस में ब्लड हेमोलिम्फ का काम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही नहीं है यहां पे नॉट ओनली कॉक्रोच इनफैक्ट किसी भी इंसेक्ट में ऐसा नहीं होता है राइट जी रेस्पिरेटरी पिगमेंट सो बोथ बोथ द द क्वेश्चंस आर आर करेक्ट करेक्ट मधुस्मिता मधुमिता मधुमिता इट इज सिंह जी ऑप्शंस यहां पे जो बोध दर कर दोनों सही है एजर्शन रीजन में ये देखना होता है कि दोनों बातें सही है और दूसरी बात जो है पहली बात का रीजन है कि नहीं है सो so इसमें दोनों बातें मुझे सही लग रही है श्लोक मैं आपसे सहमत हूं तो इसका आंसर हो जाएगा ए राइट ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड हेमोलिम्फ इट इज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू विच हैज कॉपसल्स एंड प्लाज्मा है उसमें इट डज नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉकरोच के हेमोलिम्फ में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है कोई हेमोग्लोबिन हेमोसाइनिन कुछ नहीं होता है ट्रैकियल ट्यूब्स हैं पूरे शरीर में ये पतली पतली ट्यूब्स का जाल फैला हुआ है और स्पाइरेकल्स जो है ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू एयर एंटर करती है सो यू कैन कंपेयर आर नॉस्ट्रल्स विद द स्पाइरेकल्स ऑफ कॉकरोच हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू हवा एंटर करती है ठीक है जी क्लियर है राइट सो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर एजर्शन सो यह बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है एजर्शन रीजन क्वेश्चन नेक्स्ट अर्थवम में से फेरिटीमा पॉस्टिमा द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इन द अर्थवम इज में फाइलम एनेलिडा का मेंबर है एनेलिड क्या है सेगमेंटेड वर्मस है ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलिट्रिल सिमिट्रिकल सीलोमेट एनिमल क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है नेफ्रीडिया इनके एक्सट्रिटरी स्ट्रक्चर्स हैं सो अर्थम में द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय क्लैटलम सीटे मेटामियर्स या सेलोमिक फ्लूइड प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपका जवाब जल्दी से आना चाहिए अंशिता, सुमित सुमित ने कहा है, सर आपको 166 एटीपीज मिल गए 168 हो गए बेटा जल्दी से 200 कर दो एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए शिবেশ पता है इसके जरिए ना एक इंटरेक्शन नजर आता है लगता है आपसे बातचीत कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है लेकिन आपकी आवाज तो मुझ तक नहीं आ सकती ना राइट तो आपके प्यार रिस्पेक्ट लव इन्हीं लाइक्स के जरिए मुझे स्क्रीन पे नजर आता है फिर राइट मैं देखता रहता हूं और हर सेशन के बाद ना कमेंट जरूर किया करो कमेंट्स में आप लिखा करो आपको सेशन कैसा लगा और क्या क्या चीजें और बेहतर चीजें आप क्या चाहते हो एंड एंड योर लव एंड योर थैंक्स Well, the correct answer to question number 15 नहीं तो जो उनका सिलोम है न, cavity, celomic fluid. Celomic fluid एक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है, जो टर्जिड रखता है शरीर को अर्थवम की रेफरेंस में क्लाइटेलम या सिंगुलम याद रखना फोर्टीन फिफ्टींथ सिक्सटीन सेगमेंट पर एक प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू है क्लाइटेलम का लोकेशन इंपॉर्टेंट है दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट क्लाइटेलम का काम क्या है कोकून बनाना इट्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू अर्थवम के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सीटे हैं काइटेनस ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर विच आर हेल्पिंग इन लोकोमोशन सीटे आर प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड

राइट right? अपना नाम खुद ही इतना बुलंद कीजिए उसके आगे डॉक्टर शब्द लग जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद लेगी आपको ये तरीके नहीं अपनाने पड़ेंगे अपना नाम किसी के मुंह से निकलवाने के लिए वेल well, एक तरफ स्ट्रक्चर है और एक तरफ लोकेशन है अब आपको क्रॉस मैच करना है ये आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं ये याद रखने वाली बात है दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको लिख लिख के भी याद करना पड़ेगा कि अर्थवम में इन स्ट्रक्चर्स की लोकेशन कहां कहां है फीमेल जेनिटल पोर चौदहवी सेगमेंट में है और मेल जेनिटल पोर एटीन सेगमेंट में है ये ध्यान रखना ओवरीज 12 से लेके 13 तक इंटर सेगमेंटल सेप्टम में है टेस्टिस 10 और 11 में है बेटा ये तो याद रखना पड़ेगा डायग्राम एनसीआरटी में दिया हुआ है बट ये एफर्ट आपको खुद करना पड़ेगा क्लियर है हुआ बेटा राइट सो द करेक्ट आंसर इन दिस इज डी यानी ए थ्री बी टू सी वन एक बार देख ले ए थ्री बी टू सी वन डी फोर क्रॉस मैच वाले क्वेश्चंस ना बड़े आसान होते हैं इजी होते हैं और मजेदार भी होते हैं 17. अर्थवम्स आर बायसेक्सुअल बट स्टिल क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन दैम देखिए कोई जानवर अगर हर्मोफ्रोडाइट भी है

कम्स इन द सेम अर्थ होम ऑब्वियसली ये रीजन बनेगा कि मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग समय पे मेच्योर हो रहे हैं इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ठीक है नितिन बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आ जाएगा जी हर्षिता बी बी विल बी दी करेक्ट आंसर स्पमेरेजोआ एंड ओवा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन द सेम अर्थ होम बाकी ऑप्शंस देखें ओवा फ्रॉम अदर अर्थ फॉर्म मे बी लार्जर दैट इज आल्सो नॉट लॉजिकल ओवा मेच्योर अर्लियर देन स्पमेडोजोआ दैट इज रॉन्ग स्पर्म्स मेच्योर अर्लियर देन ओवा सो दैट इज कॉल्ड

व द एबिलिटी टू ब्रीद इन डिफरेंट वेज मेंढक जो है एम फीबिया क्लास का मेंबर अलग अलग तरीके से सांस लेता है चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स फ्रम द ऑप्शन विच आर गेवन बिलो कई बार मैंने आपको ये बात बताई हुई है फ्रॉक अपनी चमड़ी से भी सांस लेता है स्किन मॉइस्ट रहती है रेस्पिरेशन के पास लंग्स भी हैं पुअरली डेवलप्ड है लेकिन रेस्पिरेशन तो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन फ्रॉक की लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी के, के थ्रू भी गैस एक्सचेंज होता है बको रेस्पिरेशन क्वेश्चन नंबर अठारह जल्दी से आंसर दे दो मैंने क्लू आपको बता दिया है फ्रॉक के बारे में राना टिग्रीना एम्फीबिया का मेंबर एम्फीबिया क्लास के तीन ऑर्डर एपोडा यूरोडीला एंड न्यूरा ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं डी और डी बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि ट्रेकियल सिस्टम तो फ्रॉग में नहीं है वो तो इंसेक्ट्स में होता है राइट जल्दी से लाइक्स का नंबर हो जाना चाहिए आगे बढ़ते हैं हैं अगला सवाल पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका डिस्कशन तीन तरह का रेस्पिरेशन बताया ना मैंने पल्मोनरी लंग्स के जरिए क्यूटेनियस स्किन के जरिए फ्रॉग पानी के आसपास रहता ताकि अपनी चमड़ी को नम रख सके मॉइस्ट रख सके कोई खतरा हो मुसीबत हो तो कूद के पानी में चला जाएगा राइट एंड रिप्रोडक्शन के लिए को पानी चाहिए फ्रॉक के अंडे बड़े सॉफ्ट होते हैं रेप्टाइल्स में ये समस्या ओवरकम हो गई रेप्टाइल के एग्स जो हैं हार्ड शेल्ड क्लिडॉय एग्स हैं इसलिए रेप्टाइल्स बिना पानी के भी जिंदा रह लेते हैं पर बेचारे एम्फीबियंस के लिए मुसीबत है पानी में लौटना ही पड़ता है एटीन का आंसर डी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फ्रॉग में से ही फ्रॉग्स अंडरगो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन चर फ्लक्चुएट्स विद द एनवायरमेंटल कंडीशन बर्ड एंड मैमल वार्म ब्लडेड होते हैं बाकी ये जानवर कोल्ड ब्लडेड है इसलिए इनको छुपना पड़ता है ज्यादा गर्मी में ज्यादा सर्दी में रीजन फ्रॉग्स शेल्टर इन डीप बारोस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड दोनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी बातें बताते बताते है ना जी दोनों बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं बताइए फिर आंसर जल्दी से जी बिल्कुल पॉलमी ने कहा रेप्टाइल्स में एमनियन होता है बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन डिस्कशन फ्रॉग्स आर पोई थर्मल एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डेमसल फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर क्योंकि वो अपने आपको फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना उसके अनुसार उन्हें चुपना पड़ेगा एस्टिवेशन गर्मियों में समर स्लीप हाइबरनेशन विंटर्स में राइट right जी सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट सवाल आपकी स्क्रीन पे बीसवाच ऑफ द फॉलोइंग दिन इन करेक्ट विद रेफरेंस टू फ्रॉग इन करेक्ट माइंड यू अंडरलाइन कर लेना एग्जामिनर ने इन करेक्ट बात पूछी है कहीं जल्दबाजी में आप उसे करेक्ट मत समझ लेना इन करेक्ट पहला वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप

सही है जी तो कौन सा हो गया आंसर सी यूरिकोटेलिक वाला हार्ट थ्री चैम्बर्ड है यह बात सही है सिस्टम क्लोज्ड है यह बात सही है फ्रॉग में दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है यूरियोटेलिक है यह बात ध्यान देने वाली है राइट right, जी इट इज नॉट यूरिकोटेलिक इट इज यूरियोटेलिक क्रेनियल नर्व्स टेन पेयर है क्रेनियल नर्व्स के नाम बता दू फटाफट फ्रॉग में फ्रॉग में क्रेनियल नर्व्स के नाम बता दिए जाए जी माही गुप्ता सुनिए ऑल ऑप्टिक कोक्यूलोमोटर ट्रोक्टर ट्राइजेमिनल फेशियल, फेसियलियल वेगस पाइनल एंड हाइपोग्लोसल ट्रिक होता है इनको भी याद करने का सेशंस अटेंड करते रहिए आप हमारे रेगुलरली सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देंगे मकसद हमारा क्या है मकसद है हमारा एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट सिक्योर करना डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है बढ़ते हुए कंपटीशन के अनुसार आपको भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा 16 16-17 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है लेवल ऑफ अवेयरनेस इतना ज्यादा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर घर तक अवेयरनेस पहुंच चुकी है सो so, छुपे हुए रत्न छुपे हुए नगीने तो कोने कोने में बैठे हैं आपको अपने आप को काफी तपाना पड़ेगा जलाना पड़ेगा सोना जितना तपता है 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 तभी तो वो कुंदन बनता है। मैं हमेशा ये ये बात कहता हूं है ना आस्था एक तपस्या है जो आपको करनी पड़ेगी सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर सी है अब मैं आपको जल्दी से एक बात बता दू जी पूरे हफ्ते का टाइम टेबल ही आपके सामने है मंडे टू फ्राइडे पांच बजे किस टाइम पे पांच बजे क्या करना है जी हमने बैठ जाना है यूट्यूब के आगे एकदम शांतिपूर्वक तरीके से अपना चाय पानी ठंडा नींबू पानी कॉफी लेकर के कॉपी पेन साथ रख लेना है इंपॉर्टेंट बातें जो भी बीना मैम बताएंगी बॉटनी की टिप्स एंड ट्रिक्स वो सब नोट कर लेनी है जो बातें मैं बताऊंगा वो नोट कर लेनी है सेशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लेना है बस और क्या चाहिए सो बायोलॉजी की चिंता आधी तो हमने ले ली ना आपसे आपको तो बस सिर्फ अब चीजें सीखनी है एनसीआरटी मैं और बीना मैम एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आपको सफल करा के ही रहेगा राइट right जी मंडे को हमारा सेशन हुआ था लिविंग वर्ल्ड का ट्यूसडे को एनिमल किंगडम का सेशन मैंने आपके साथ लिया था वेडनेसडे को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेशन बीना मैम ने और थर्सडे को स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कल है फ्राइडे फ्राइडे को होगा जी मेंटी क्विज लाइव क्विज आपका नाम स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में आएगा तो क्विज जरूर अटेंड कीजिएगा हर हफ्ते का टाइम टेबल आपके साथ ऐसे ही शेयर करेंगे हर सेशन के बाद आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट एंड प्रोस्परस फ्यूचर स्टे ब्लेस्ड गॉड ब्लेस यू ऑल कीप लर्निंग पढ़ते रहिए खुश रहिए नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल